अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं, ये लिमिटेड एडिशन वाली जो 2021 मॉडल की गाड़ी है, इसके अंदर सनरूफ आप देख सकते हैं। गाड़ी अल्टिस है लेकिन इसके अंदर सनरूफ आता है क्योंकि ये स्पेशल एडिशन गाड़ी है और मार्केट में इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग गारंटी लेते हैं सिर्फ सनरूफ की वजह से, लेकिन ये एक ऑप्शन है कि कुछ लोग 1.6 गाड़ी पसंद करते हैं और अल्टिस के अंदर ये ऑप्शन है। अच्छा दे दिया इन्होंने कि इसके अंदर सनरूफ भी गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। गाड़ी की पोजीशन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी के मैं आपको बताता चलूँ, गाड़ी अंदर बाहर से बिल्कुल जेन्युइन हालत पर है। तो गाड़ी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, कहीं से भी किसी किस्म की गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। गाड़ी में आपको चारों तरफ से जो है मैं आपको विजिट करा रहा हूँ, किसी किस्म का गाड़ी पे कोई निशान वगैरह नहीं है। टायरों की बात कर लेते हैं, टायर इसकी गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन हालत में है। गाड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत चली है, जो चली है वो मैं आपको इसका माइलेज चेक कराता हूँ अभी। गाड़ी का स्टार्टअप आप शुरू में देख चुके हैं और मज़ीद इसका के बारे में मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी कितनी चली हुई है और कीमत भी इसके बारे में बताएंगे। पहले गाड़ी की बाहर से बात कर लेते हैं। गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी हालत में है, जैसा कि मैंने बताया गाड़ी पे किसी किस्म का कोई निशान वगैरह मौजूद नहीं है। गाड़ी बिल्कुल, ये आप साइड देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश हालत के अंदर है। और दूसरा जो है, अगर इसकी जैसे मैंने अभी चारों तरफ से आपको गाड़ी दिखाई है तो काफ़ी अच्छी फ्रेश हालत में है। इसकी हेडलाइट है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं किसी किस्म के फिलहाल तो कोई निशान वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंडिकेटर वगैरह जो है गाड़ी के, ये मैंने ऑन करे हुए इस वजह से कि इसके अंदर ही आप देख रहे होंगे कि अक्सर लोग अब ये बोलेंगे कि ये आगे से पूरी ब्लैक क्यों हो रही है। दरअसल ये पेपर चढ़ाया हुआ है, इसकी पट्टी पे क्रोम पट्टी जो होती है उस पर पेपर है, सिर्फ इस वजह से जो है थोड़ी सी मॉडिफाई करी हुई है। जिन भाई के पास भी थी उन्होंने मॉडिफाई करी हुई है गाड़ी इस तरीके से। बाकी आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो स्टिकर हैं गाड़ी पे, वो अभी तक जो है इस गाड़ी पे लगे हुए हैं। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश हालत के अंदर है। अच्छा, बाकी गाड़ी जो है मैं आपको गाड़ी इंटीरियर भी इसका विजिट कराता हूँ और जो है डिग्गी भी आपको पहले चेक कराते हैं। गाड़ी की डिग्गी दिखा देता हूँ। तो यह डिग्गी की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश लुक है गाड़ी का। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। स्पेयर व्हील की हालत आप देख सकते हैं कि ये अभी तक बिल्कुल कोई यूज़ नहीं हुआ है किसी भी किस्म के हवाले से। आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 मीटर जैसे गाड़ी के अंदर आता है बिल्कुल वैसे रखा हुआ है। इसका ये जेक राड वगैरह देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में कंपनी से आता है। तो ये मैंने आपको दिखा दी इसकी डिक्की की हालत, और डिक्की की जो डोरी वगैरह वो पूरी है। अच्छा, इसका जो है इंजन रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का, उसके बाद फिर मैं आपको जो है गाड़ी अंदर से भी विजिट कराता हूँ। तो ये इंजन रूम आपको इसलिए विजिट करा रहा हूँ कि ये दिखा सकूँ कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी आगे नॉस पट्टी की। नॉस पट्टी आप देख सकते हैं गाड़ी की बिल्कुल साफ हालत में है, कहीं से लगी भी नहीं है, कोई कलर वगैरह नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका ये है कि मैं इसकी ये साइड ही दिखा रहा हूँ आपको, पर्दियाँ वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल सही हालत में है। दूसरा इसका ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको गाड़ी का, बिल्कुल जेन्युइन हालत पे है, कहीं से कुछ बना हुआ नहीं है, गाड़ी लगी भी नहीं है, ये भी देख सकते हैं आप। अच्छा, इसकी जो है बोनट की डोरियाँ हैं वो चेक करा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसकी जो डोरियाँ हैं बोनट की वो पूरी है। तो अब गाड़ी को मैं जो है अंदर से विजिट कराता हूँ आपको। तो जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि गाड़ी जो है चली हुई कितनी है, तो ये मैं आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चली हुई है गाड़ी 15,196। ये टोटल इसका माइलेज है 15,000 समथिंग जो है गाड़ी चली हुई है। अच्छा, गाड़ी के बारे में बताता चलूँ, गाड़ी जो है पुश स्टार्ट आती है। इसके अलावा इसके अंदर रीटेक मिरर है, रीटेक मिरर नहीं है, इसके ऑप्शन दिए हुए इन्होंने एडजस्टेबल के, बाकी रीटेक नहीं है, सादे मिरर है इसके अंदर, वो आप हाथ से कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ हालत में है। अंदर से अगर मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें तो ये अपना है इसका, ये आफ्टर मार्केट है इसका, मुझे इतना खास आइडिया नहीं है फिलहाल, लेकिन ये सब वर्क कर रहा है। और आप अंदर से गाड़ी का इंटीरियर्स देख सकते हैं। बाकी जो आप गाड़ी की पन्नियाँ देख रहे हैं, ये शोरूम वाली ही पन्नियाँ मौजूद हैं गाड़ी पे अभी तक, तो ये भी नहीं उतारी हैं।
बाकी इसके सनरूफ की बात करें तो सनरूफ भी अच्छी हालत के अंदर है इसका, और बिल्कुल साफ सुथरी हालत के अंदर है गाड़ी। अंदर से लाइटें वाइटें इसकी सब ऑन है, पीछे से भी आप गाड़ी देख सकते हैं, सब सीटें पे इसकी जो है थैली वगैरह वो सब चढ़ी हुई है। अच्छा, दूसरा अगर सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर एक एयरबैग आपको ये देख सकते हैं, ड्राइविंग साइड पे भी मिलेगा और पैसेंजर साइड पे भी मिलेगा। तो ये मैं आपको इसका लुक दिखा रहा हूँ गाड़ी का, कि गाड़ी काफ़ी अच्छी, क्योंकि 15,000 चली हुई गाड़ी है, साफ सुथरी हालत में है। और पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी सीटें वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी हालत में है और कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं है गाड़ी पे। अच्छा, गाड़ी की कीमत के बारे में अगर बात करें तो गाड़ी की कीमत जो है वो मैं आपको बताता चलूं, ये 2021 मॉडल है और 22 का जो है नंबर लगा हुआ है गाड़ी पे। 15,000 जो है गाड़ी समथिंग चली हुई है, टायरों की कंडीशन दिखा चुका हूँ, काफ़ी अच्छी है, अलाइनिंग वगैरह गाड़ी के ओके हालत में है, गाड़ी स्पेशल एडिशन है और कीमत जो है इसकी 62 लाख, 62 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। किसी भी भाई को मेरे चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, रब्ता नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मैं अभी स्क्रीन पे दे दूंगा नंबर, वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।